ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले सपोज करो आपके पास ये अर्थ है और आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये जो अर्थ है इसका रेडियस तो कैपिटल आर है, सारे डिस्टेंसेस अर्थ के सेंटर से लिए जाते हैं, तो इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर आप क्या निकालना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्वेश्चन है। तो नॉर्मली हम क्या करते थे वर्क एनर्जी पार में, कि जैसे हम करते थे कि एच हाइट एक पे अगर एक मास को लेके आना है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन उस एच हाइट पर अगर मास को लेके आए उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को एनर्जी बोल दिया करते थे, ऐसे करते थे MGH। वो सही डेफिनेशन थी नहीं, एक्चुअल में सही डेफिनेशन ये है कि अगर आप इस पॉइंट पर यहाँ पर जहाँ अर्थ है, अर्थ के स्मॉल आर डिस्टेंस पे आप एनर्जी निकालना चाहते हैं ग्रेविटेशन की, तो आपका मास अर्थ का कैपिटल M है और आप स्मॉल m को यहाँ रखना चाहते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगेन क्या निकालना है वर्क डन, क्या वर्क डन, स्मॉल m मास को उठा के लेके आना है, स्मॉल m मास को उठा के लेके आना है, कहां से कहां, आपको ऐसा लगता होगा कि यहां से यहां नहीं, यहां से यहां नहीं, स्मॉल m मास को लेके आना है लाइंग एट इंफिनिटी, स्मॉल m बहुत दूर था, कहां, ग्रेविटेशनल पुल से भी दूर था, बहुत बहुत दूर था, जहां अर्थ फोर्स भी लगा नहीं पा रही थी, वहां से लेके आना है और कहां पे रखना है, यहां पे रखना है, तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। आप ये सोच रहे होंगे कि बड़ी कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन है यार, वर्क डन अर्थ की सरफेस से आर्ट डिस्टेंस पे तो कोई लॉजिक भी बनता है, मैं पहले ग्रेविटेशनल पुल के बाहर चला जाऊं इन्फिनिटी और वहां से मास को ऊपर से लेके आऊं और वो वर्क डन कैलकुलेट करूं, वो एनर्जी है, ये अजीब सी डेफिनेशन है। मैं बताऊंगा कि बनाने वाले ने ये डेफिनेशन ऊपर से क्यों बनाई है, नीचे से क्यों नहीं बनाई, पहले एक मिनट इसको, इस डेफिनेशन को ऐसे याद रखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन कहां से लेके आना है स्मॉल m मास को, इन्फिनिटी से, और कहां पे, जहां पर आपको एनर्जी निकालनी है, कहां निकालनी है, एट अ डिस्टेंस ऑफ छोटा r फ्रॉम द सेंटर। चलो वर्क डन निकाल के देखते हैं, तो रूल नंबर वन, जब आप मास को नीचे लेके आएंगे, अर्थ के पास लेके आएंगे, कभी ना कभी तो मास ग्रेविटेशनल पुल में एंटर कर जाएगा, फिर अर्थ उसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स भी लगाएगी, जब एंटर करेगा तो फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी, अब वो फोर्स वेरी करेगी, क्यों, मान लो मैं यहां पर फोर्स निकालता हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो यहां पर फोर्स क्या होगी, जी प्लैनेट का मास ऑब्जेक्ट का मास बाय एक्स का स्क्वायर, और जैसे जैसे एक्स चेंज होता जाएगा, मास नीचे आता जाएगा, एक्स चेंज हो रहा है, फोर्स चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फोर्स वेरिएबल है, और अगर फोर्स वेरिएबल है और मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वो वर्क डन बाय इंटीग्रेशन ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमने वर्क पर एनर्जी में किया था, जो वेरिएबल फोर्स होती है उसमें जो वर्क डन है वो बाय इंटीग्रेशन होता है, हम एक काम करते हैं इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, फिर टोटल वर्क डन बाय इंटीग्रेशन किया जाता है, कैसे, मान लो ये मास अभी यहां पर आया था और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उसने कितनी कवर की, dx, और ये p पॉइंट की दूरी सेंटर से कितनी है, x, तो p पॉइंट पर फोर्स कितनी लग रही है, g कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, इतनी फोर्स लग रही है, कहां लग रही है, नीचे लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स नीचे लग रही है, अर्थ खींच रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां पर है, नीचे है, कितनी, dx, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन p से q का क्या बनेगा, dw f dx, f कहां है, नीचे, dx कहां है, नीचे, एंगल इनके बीच में क्या है, जीरो, दोनों नीचे नीचे जीरो, cos जीरो क्या है, वन, तो फोर्स की वैल्यू को पुट कर लेना gmm by x square, और आपको टोटल वर्क डन कहां से कहां निकालना है, सेंटर से सारे डिस्टेंस लेने, याद रखना डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ से कैलकुलेट करने हैं, तो पहले मास कहां पर था, सेंटर से इंफिनिटी, और अब मास कहां पे रखना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, सेंटर से आर, तो लिमिट क्या लगेगी, इंफिनिटी से आर, क्या स्टेप क्लियर है, और जब इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो वहां पर वर्क डन जीरो है, वो वर्क डन जीरो क्यों है, क्योंकि वहां पर अर्थ की फोर्स ही नहीं लगेगी इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे फोर्स क्या होती है, जीरो, तो वर्क डन भी कुछ नहीं होगा, और फाइनल वर्क डन कितना हो जाएगा, W, क्लियर है यहां तक, आपको याद होगा जब हमने इंटीग्रेशंस की थी, जब आप स्टार्टिंग में आए थे तो मैं ऐसे क्वेश्चन दिया करता था सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन में रादर यही क्वेश्चन दिया था, कॉपी चेक कर लेना,
जीएमएम बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर की, एक्स ऊपर चला गया माइनस टू, एक्स की पावर माइनस टू इज एक्स की पावर माइनस वन बाय माइनस वन, माइनस साइन बाहर आ गया, एक्स की पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन बाय एक्स, लिमिट क्या लगेगी, लिमिट लगेगी इन्फिनिटी से आर, ठीक इन्फिनिटी से आर। तो एक बार एक्स की जगह यहाँ पर क्या आर, एक बार एक्स की जगह क्या यहाँ पर इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी क्या है जीरो आंसर। तो ये फॉर्मूला नोट करो, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो आज के बाद अगर मैं ये कहूँ कि ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये मास है एम है, और मान लो ये दूरी 1000 मीटर की दूरी है, इनमें ग्रेविटेशनल, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आंसर क्या देंगे, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 1000। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, फॉर्मूला कैसे लगेगा। अच्छा, इस फॉर्मूले की हेल्प से ये बताओ, अगर ये अर्थ है और ये रेडियस कैपिटल आर है, मास एम है, और ये पॉइंट मास है एम, मेरा क्वेश्चन है सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सरफेस ऑफ अर्थ पे होगी यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई कितना, कैपिटल आर। जबकि वर्क पर एनर्जी में कहते थे कि ग्राउंड के ऊपर सरफेस के ऊपर जीरो है, जबकि जीरो कभी होती नहीं, क्योंकि डिस्टेंसेस कहां से लिए जाते हैं, फ्रॉम सेंटर। वो हम सिर्फ रेफरेंस पॉइंट मानते थे अपनी कन्वीनियंस के लिए, अदरवाइज सेंटर से डिस्टेंस होते हैं, और सरफेस ऑफ अर्थ पे एनर्जी होती है माइनस जी एम एम बाई आर, जीरो नहीं होती। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, फॉर्मूला क्लियर है। अब मैं ये आंसर देने वाला हूं कि इसने ऐसी डेफिनेशन बनाई क्यों, सीधी क्यों नहीं बनाई। तो एक सेकेंड अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है ना, माइनस जी एम एम बाई आर। मान लो मैंने आपको कोई वैल्यूज दी, अर्थ का मास दे दिया, ऑब्जेक्ट का मास दे दिया, कैपिटल आर दे दिया, और आपसे पूछा कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और आपने वैल्यूज पुट की, आपका आंसर माइनस टेन आ गया, मान लो माइनस टेन आ गया। जब आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, आर बढ़ जाएगा, तो आपका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, माइनस टेन की जगह मान लो माइनस नाइन आ गया। अब और ऊपर जाएंगे, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, माइनस जी एम एम बाई आर, आर बढ़ता जा रहा है तो वैल्यू कम होती जा रही है, टेन नाइन एट सेवन नेगेटिव साइन के साथ, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कम होती जा रही है, मीन्स माइनस टेन माइनस एट माइनस सेवन माइनस टू ऐसे होती जा रही है। कोई मुझे बताएगा कि एनर्जी ऊपर जाने में बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ कैसे रही है, क्योंकि माइनस सेवन इज ग्रेटर देन। तो इसीलिए उसने डेफिनेशन उल्टी इसलिए बनाई क्योंकि वो चाहता था कि आंसर भी नेगेटिव आए, और नेगेटिव आना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर पॉजिटिव आंसर रह जाता तो 10 के बाद 9 के बाद 8, मतलब प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8, तो उल्टा हो जाता रिजल्ट कि एज यू मूव योर बॉडी अवे फ्रॉम अर्थ, आपकी एनर्जी तो बढ़नी चाहिए, अगर ये पॉजिटिव होती तो क्या हो जाती, कम होनी स्टार्ट हो जाती। इसलिए नेगेटिव साइन का होना जरूरी था, तो डेफिनेशन को उल्टा बनाया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो इसलिए नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें।